इस गेम जनरली इस गेम का जैसे ही हमारे पास नाम सामने आता है तो हमारे सामने कुछ वस्तुएं आती है, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और यूपीआई। ओके राइट। जैसे ही हमारे सामने इस गेम का नाम आता है तो हमारे सामने कुछ चीजें सामने आती है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई। तो क्या पेमेंट का ही स्कैम हो सकता है? और भी बहुत सारे स्कैम हो सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन चर्चा करेंगे इंडिया में अभी हो रहे, स्पेशली जो पेटीएम का स्पेशली स्कैम हो रहा है, बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर स्कैम किया जा रहा है पेटीएम से। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी स्कैम होना आम हो गया है, कॉमन हो गया है, और इसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। जिसके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है वो भी इसका शिकार हो जाता है। ठीक है, जिस बंदे के पास अभी बहुत ही ज्यादा नॉलेज है और उसको पता है कि पेमेंट कैसे जाता है, पेमेंट कैसे आता है, फिर भी वो इस स्कैम का शिकार हो जाता है और अपने लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों तो नहीं जाते लेकिन एटलीस्ट हजारों रुपए बर्बाद हो जाते हैं इसके चक्कर के अंदर। ठीक है, हाल ही में देखी गई एक घटना के मुताबिक दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल की बेटी ने स्कैम के जरिए कुछ पैसे गवा दिए अपने घर के सेकंड हैंड सोफे बेचने के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हो रहा है पेटीएम के अंदर ये स्कैम। ओके, सो गाइस, इसके लिए जो है अपन चलते हैं अपने चार्ट शीट के ऊपर। तो क्या होता है स्कैम, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि यार ये फ्रॉड कैसे हो रहा है, क्या इसका सीन है। तो यार जो पैसे होते हैं वो होते हैं हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो बैंक अकाउंट कितने बजे तक चलता है? बैंक अकाउंट हमारा चलता है सुबह एटलीस्ट 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, सभी को पता है। उसके बाद में अगर हमें पैसे चाहिए तो हमें एटीएम कार्ड वगैरह यूज करना होता है। ठीक है, तो अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा यार हमारे बैंक के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो हम ऐसा कोई सिस्टम निकालते हैं जिससे कि लोगों को बैंक में आना ही ना पड़े, वो लोग जो है अपने आप ही ट्रांजेक्शन करते रहे। तो इसके लिए एक ऑप्शन लाया गया, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब इसके लिए जो है थर्ड पार्टी एप्स का यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा आपके फोन के अंदर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक वॉलेट, बहुत सारे आपने देखा होगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंटरनेट बैंकिंग एंड अदर 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 अदर। ठीक है, तो इन सबको कौन हैंडल करता है? इन सबको हैंडल करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब आप लोगों को पता है जो भी हमारे एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं ये हमारे बैंक इश्यू नहीं करता है, ये इश्यू करता है एनपीसीआई। ठीक है, हमारे देश के जितने भी बड़े बैंक है, छोटे बैंक है, सबके एटीएम कार्ड यही इश्यू करता है। ठीक है, ताकि सभी बैंक है ना उन सबका जो है एटीएम मशीन को सभी एटीएम कार्ड्स के लिए यूज किया जा सके, इसलिए जो सारा है इसे एक कमिटी को दे रखा है जिसका नाम है एनपीसीआई। तो इसने ये एक ये बना रखा है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करते हैं? अब जैसे ही हम इसके अंदर अपना अकाउंट लिंक करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है एक 4 डिजिट की या फिर 6 डिजिट की पिन बनानी होती है। जैसे इसके अंदर कुछ मेजरली बैंक है, जैसे यस बैंक है, ठीक है, और फोन पे के अंदर स्पेशली देन एसबीआई भी होता है और एचडीएफसी वगैरह वगैरह, एचडीएफसी नहीं है शायद, कुछ और भी मेजरली अच्छे अच्छे बैंक है जैसे पीएनबी है। और एचडीएफसी मान लो आप अक्षय है। ठीक है, तो ये इतने सारे बैंक हैं। तो अब इसके अंदर फ्रॉड कैसे हो रहा है, क्या लोग पागल है, किसको पैसे सेंड करते रहे, किस प्रकार से स्कैम हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो यार जैसे ये स्कैम इस तरह से हो रहा है, अब सभी को पता है नॉर्मली आजकल अगर मेरे को कोई कॉल करेगा बैंक से, बोलेगा कि भैया ओटीपी बता दो, तो जाहिर सी बात है मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अवेयरनेस हो गई है, सभी को पता चल गया इसके बारे में कि बैंक मैनेजर बन के कॉल करता है और हमें ओटीपी नहीं बताना होता। आजकल छोटे छोटे बच्चों को पता होता है
की ओटीपी नहीं बताना है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं देनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई फोन करेगा हमें कि भैया ओटीपी बताओ, बैंक से मैनेजर बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद हो गया, आपका डेबिट कार्ड बंद हो गया, तो सभी लोग यही कहेंगे बंद कर दे, ठीक है, ओके, हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे बैंक का, राइट, तो ऐसे बोल देंगे नॉर्मली। तो अब ये स्कैम किस प्रकार से हो रहा है, जैसे कि स्कैमर की तो जो है मानसिकता बढ़ती जा रही है, वो एकदम होशियार होते ही जा रहे हैं, तो ये फ्रॉड किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यार जो ये फ्रॉड हो रहा है ना, वो हो रहा है क्यूआर कोड के जरिए। जस्ट लाइक मेरे पास कुछ सेकेंड हैंड सोफे पड़े हैं, ठीक है, मैंने ओलक्स वगैरह पर डाल दिया कि भैया ये मेरे पास सोफे हैं और मेरी ये जो है रेट है इसकी 7,000 रुपये। तो अब उसके रिगार्डिंग बार्गेनिंग होती चली जाती है, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं कि भैया 5,000 दे देंगे, 5,500 दे देंगे। अब एक मेरे को कॉल आता है कि जो है मैं आपको 7,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, भैया 7,000 रुपये मिल रहे हैं और मेरा सोफा बिक गया, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर मेरे को कॉल आता है आधे घंटे के अंदर, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आई विल पे यू योर जो है अमाउंट, एंड जो है मैं जो सोफा है वो नेक्स्ट 1 वीक या फिर आज 6-7 घंटे के अंदर पिकअप कर लूंगा। और उसके अंदर एक जो है कार्ड आती है, आइडेंटिटी कार्ड आता है इंडियन आर्मी का, लेफ्टिनेंट का, कि मैं इंडियन आर्मी के अंदर हूँ भी, ठीक है। तो यार थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। और फिर मेरे को मैसेज आता है कि मैं आपको जो है अभी आपका पेमेंट सेंड कर रहा हूँ एडवांस के अंदर। तो बहुत खुशी होती है मेरे को, यार पैसा भी पहले दे रहा है, इंडियन आर्मी के अंदर है, ठीक है, तो अच्छा ही आदमी होगा। फिर वो क्या करता है, फिर मेरे को एक जो है क्यूआर कोड सेंड करता है कि आप जो है ऐसा कीजिए, ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, उसके ऊपर लिखा होता है रिसीव 7,000 रुपीज, और ऊपर एक घड़ी भी लगी होती है, ठीक है। अब वो बोलता है कि हमारा जो लंच ब्रेक है इंडियन आर्मी का वो आधे घंटे के अंदर है, सो प्लीज आप ज्यादा टाइम ना ले और इसको स्कैन करके आप पेमेंट ले सकते हैं। तो मेरे को यार पहले ऐसा लगता है कि एटलीस्ट यार ये स्कैम हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके जैसे हम स्कैन करते हैं ना तो हमें फिर से यूपीआई पिन मांगता है। अब एक बात आपको हमेशा गांठ बांध लो, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो, जितने भी लोग हो, ठीक है, जब आप यूपीआई इंटर करोगे, ठीक है, यूपीआई इंटर करोगे तब तब पैसा कटेगा, ठीक है, जब जब यूपीआई यूज करोगे बच्चा पैसा कटेगा, याद रखना, गांठ बांध लो इसको। ये वैसा ही है जैसे अगर आप किसी से चेक लेते हो तो आपको दूसरे वाले के चेक के साइन नहीं करना होता ना, आपको डायरेक्टली उसने जो चेक दिया वो बैंक में जाके जमा कराना होता है। अब हमें पता है कि यार इसे, तो हम वापस उसको कॉल करते हैं, कॉल पे रहता है वैसे वो, तो यार वो बोलता है कि आई एम इंडियन आर्मी और मेरे पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है नहीं, ठीक है, तो हमें वो बोलता है कि ठीक है आप 1 रुपया पहले, वो फिर से 1 रुपये का क्यूआर कोड आपको सेंड करेगा कि आप 1 रुपया का कर लो, इसको कर लो। तो आप सोचते हैं यार 1 रुपये का तो है, तो ठीक है मैं 1 रुपया कर देता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, 1 रुपया को जो है स्कैन करके जो भी मेरा पिन लगाता हूँ तो मेरा 1 रुपया कट जाता है। फिर वो क्या करता है ना कि 1 रुपया तो जो हमारा उसके पास गया है और 1 रुपया एडवांस में और डालेगा वो, तो हमारे 2 रुपया आ गया अकाउंट के अंदर। तो हम सोचते हैं यार 1 रुपया और आ गया, ठीक है, इसका मतलब कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होगा कुछ बैंक का, 2 रुपये तो आ गए ना हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कर देते हैं पैसा पेमेंट 7,000, और हमारे 7,000 का लग गया इस प्रकार से चूना, ठीक है। तो इस प्रकार से स्कैम हो रहा है, और आपका जो आपने जो भी स्कैमर मूवीज वगैरह भी देखी होगी, आपको जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के टाइम मैनेजमेंट के कारण इस प्रकार से आपको ठगा जा रहा है, ठीक है, और स्कैम का और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्कैम इस प्रकार से ही किया जा रहा है अभी, ठीक है, बिल्कुल हम अपने हाथों से ही स्कैम कर देते हैं और हमारी जो भी मेहनत की कमाई है पूरी की पूरी बर्बाद कर देते हैं ऐसे लोगों को चक्कर में। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू बी अवेयर फॉर दिस, और आपको लगता है कि ये लोगों की मदद करेगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। एक बात गांठ बांध लो, ठीक है, गांठ बांध लो एक बात कि आपको जो है जब जब यूपीआई पिन एंटर करोगे तब तब पैसा कटेगा, जब जब यूपीआई एंटर करोगे तब तब पैसा कटेगा। आपका जो भी ऑफिस है, रूम है, आपके छोटे बच्चे हैं तो वहां पे सब पे बोल दो, सब पे कागज के लिख के चिपका दो,
जब जब यूपीआई इंटर करोगे तब तब पैसा कटेगा, ठीक है। जब जब यू